हल्द्वानी में हुई घटना के बाद रामनगर में आज प्रशासन ने बाजार बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि शुक्रवार यहां साप्ताहिक बंदी का भी दिन है। यहां बाजार बंद होने और धारा 144 लागू होने के बाद बाजार में चहल पहल नहीं है। इस बंदी से जरूरी वस्तुओं की दुकानों को दूर ही रखा गया है। बता दें कि हल्द्वानी में हुई घटना के बाद कलेक्टर वंदना सिंह ने लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भ्रामक सूचनाओं से बचें और जरूरी सेवाओं के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हल्द्वानी की घटना के बाद रामनगर में भी प्रशासन ने बाजार बंद के आदेश दिए हैं। आज बाजार बंद के आदेश हैं। हालांकि रामनगर में शुक्रवार को बाजार बंदी का दिन होता है, इसलिए यहाँ वैसे भी पहले से बाजार बंद थी और उस आदेश के बाद कुछ ज़्यादा दुकानें यहाँ पर बंद दिख रही हैं। हालांकि प्रशासन ने यह कहा है कि जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो बंद नहीं होंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारी दुकानें यहाँ बंद हैं। करीब करीब जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वही खुली हुई हैं। इसके साथ ही ये एहतियात बरतने के लिए कदम उठाया गया है, जिसके बाद से बाजार में सुनसानी है, ज़्यादा चहल पहल नहीं है। और ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन का आदेश था उसके बाद बाजार पूरी तरीके से बंद है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर।